अब कुछ खबरें आलमी मंजरनामे से। सूडान में सूडानी फौज और पैरा मिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्सेस में लड़ाई दोबारा शुरू हो गई। गैर मुल्की खबरसा इदारे के मुताबिक सूडानी फौज और पैरा मिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के दरमियान एक बार फिर से लड़ाई शुरू हो गई है और शदीद लड़ाई ने दार हुकूमत खरतुम को हिला कर रख दिया, क्योंकि बीमारी और गजाई किल्लत ने बेघर होने वाले लोगों की बढ़ती हुई तादाद को ख़तरे में डाल दिया। खरतुम के शुमाली हिस्से में इतवार की सुबह लड़ाई शुरू हुई, जिसके बारे में इलाके के लोगों का कहना है कि RSF ने सूडानी फौज के ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की। दार हुकूमत के शुमाली हिस्सों में फजाई हमले किए गए और शहर के मशर में भारी गोलाबारी की गई। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में पुलिस एहलकार के हाथों फायरिंग से हलाक हो जाने वाले नौजवान की दादी ने मुल्क में जारी फसादात के खात्मे का मुतालबा कर दिया। गैर मुल्की खबर इदारे के मुताबिक नहील एम नामी मकतूल नौजवान की दादी ने मुजाहरीन से पुरतशद्दुद मुजाहरों को रोकने करने का मुतालबा करते हुए कहा है कि इंसाफ के असूल के लिए अदलिया पर मुकम्मल एतमाद है। 17 साल नहील एम को गुज़श्ता हफ्ते पेरिस के इलाके नानटेरे में चेक पोस्ट पर एक पुलिस एहलकार ने गोली मारकर हलाक कर दिया था, जिसके बाद एक पुरअमन मार्च का आगाज हुआ जो बाद में पुरतशद्दुद मुजाहरों में तब्दील हो गया और फिर पूरे फ्रांस में जगह जगह फसादात फूट पड़े। फ्रांसीसी मीडिया के मुताबिक नादिया के नाम से शिनाख्त की जाने वाली खातून ने गुज़श्ता रोज़ मकामी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में कहा है कि जो लोग इस वक्त चीज़ों को तोड़ रहे हैं, मैं इनसे कहती हूँ कि रुक जाएँ। उन्होंने नाहिर को बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया है। इसराइली फौज की मकबूजा फलस्तीन के मगरबी किनारे के शहर जंबीर में सुबह सवेरे बमबारी से 3 फलस्तीनी शहीद हो गए। फिजाई हमले में 13 शहरी भी सीधी जख्मी हुए। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल ने जनीबन में पनाह गुजीन कैंप पर मिजाइलों से हमले किए। फलस्तीनी शहरों का कहना है कि इसराइली फौज ने 10 मिजाइलों से मुख्तलिफ इमारतों को निशाना बनाया। इसराइली बख्तरबंद गाड़ियों ने इलाके का मुआसरा किया और छापे मारे गए। इसराइली फौज का दावा है कि जंबीर में अस्क्रियत पसंदों के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया है।